कैसा लगा आपको ये प्लांटर? हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल DIY नुक। सो फेस्टिव सीज़न आ ही गया है, सब लोग अपने घर को तो डेकोरेट करते ही हैं, क्यों ना ऐसे प्लांटर्स को भी ब्यूटीफुल बना के अपने गार्डन को सजा के रखें। सो ये देखिए, ये सेरामिक प्लांटर फिलोडेंड्रॉन इसमें बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। इसमें लेकिन काफ़ी खाली जगह था तो उसको मैंने ऐसे सिंपल पेबल्स, वाइट पेबल्स ऐड कर दिया और ये छोटे छोटे बुद्धा के मॉन्क्स को इसमें रख दिया और ये देखिए अपने आप में ट्रे गार्डन बन गया है। आप इसे किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से ऐसे छोटी छोटी चीज़ों से आप अपने गार्डन को खूबसूरत बना सकते हैं। और ये देखिए, छोटा सा कोकोनट शेल में मैंने टर्टल वाइन ऐड कर दिया है। ये टर्टल वाइन बहुत जल्दी ग्रो करता है। ये अभी ग्रो करेगा तो ये पूरे प्लांटर को कवर कर लेगा और ये देखने में बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। सो ऐसे कोकोनट, छोटे छोटे कोकोनट शेल्स में टर्टल वाइन ऐड करके भी आप इसे रख सकते हैं। और घर पर कोई भी अपने टॉयज़ वगैरह रहेंगे, छोटे छोटे फिगरिन्स ऐड कर दीजिए और ये बड़ा सा एक प्लांटर देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगा। और ये देखिए, एक छोटी सी मटकी, मेरा ये टूट गया था तो इसमें भी मैंने टर्टल वाइन लगा के छोटे से वो बुद्धा मॉन्क को मैंने इसमें रख दिया है। और ये देखिए, बन गया ना एक खूबसूरत सा ट्रे गार्डन। सो ये सब कुछ यूज़फुल छोटे छोटे टिप्स हैं जिससे आप अपने प्लांटर में जैसे खाली जगह रहता है उसको फिल करके, ऐसे डेकोरेट करके, बड़े प्लांटर को डेकोरेट करके घर के किसी भी कॉर्नर में आप रख सकते हैं। और ये देखिए, एक और ऐसे मेरे पास ऐसे छोटी सी मटकी थी खाली, पेबल्स आप मटकी में डाल दीजिए और ये देखिए, और ये मटकी को ऐसे रख दीजिए। और ऐसे छोटे छोटे मटकी अभी फेस्टिवल सीजन में रोड साइड वेंडर्स से आपको मिल जाएगा। ये मैंने रोड साइड वेंडर से ही लास्ट दिवाली मैंने परचेज़ किया था। और ये मटकी में ऐसे पेबल्स डाल के ऐसे रख दीजिए। सो ये सब अपने आप में एक ट्रे गार्डन बन गया है। आप इसे गिफ्ट कीजिए या घर पे किसी कॉर्नर को डेकोरेट कीजिए, गार्डन में रखिए तो ये देखिए। और आप इसमें स्ट्रिंग लाइट्स या LED कैंडल भी ऐड कर सकते हैं तो और इसके ब्यूटी को एनहांस करेगा। सो हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय।